नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर की तिथि है, दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह के 7 बजे से ही 2,86,00,000 मतदाता हैं जो अपना वोट आज कास्ट करेंगे। हालांकि कुल प्रतिशत कितना होगा ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। कुछ डेटा के साथ हम फिर से मौजूद हैं। मेरा नाम उदित तारण है। हम बात करेंगे कि आखिरकार किन किन जिलों में, किन किन विधानसभाओं में आज वोटिंग हो रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में प्रवीण बागी भी रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 25 पोलिंग बूथ वो घूम कर आ रहे हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ जो नोटिस किया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार कम है। सबसे कम वोटिंग जो है अभी तक पिछले 2 घंटे में खगड़िया में हुआ है, 5.12% वोटिंग हुआ है। और सबसे ज़्यादा वोटिंग पटना में हुआ है, 9.52%। यानी कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हो रहा है। अब बताएंगे आपको कि किन किन मंत्रियों के कौन कौन सा वो बड़ा चेहरा है जिनका किस्मत आज आजमाया जा रहा है। उसमें जो सबसे पहला नाम है वो तेज प्रताप है, हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा चेहरा जो है वो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव हैं, राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नंदकिशोर यादव हैं जो कि पटना साहिब से लड़ रहे हैं। राणा रणधीर सिंह हैं जो कि मधुबनी से हैं। चंद्रिका राय, श्रवण कुमार, ये तमाम लोग जो हैं इस सेकंड फेज के वोटिंग में इनका किस्मत आजमाया जा रहा है। बागी सर हैं, 25 बूथ ये सुबह से घूम रहे हैं, कैसा लगा सर, क्या रिपोर्ट है? बहुत निराशाजनक है। मैं तो ये क्या नाम है, बांकीपुर विधानसभा के लगभग 25 बूथ सवेरे से घूमा, खुद वोट भी किया अपने बूथ पर जा करके, और हर जगह मैंने यही देखा कि बूथ खाली है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ जो मतदान कराने वाले कर्मी, उन्होंने बताया कि कहीं 2.5% बताया, कहीं 3% बताया, ये 9 बजे तक की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। और वहाँ जो वोट है 1,000, कहीं 900, कहीं 600 ऐसे वोट हैं, और उसमें 50 वोट भी नहीं पड़े हैं। तो ये स्थिति है, और जबकि शहरी क्षेत्र में सुबह में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वोट। तो क्या कारण, क्या लग रहा है सर, कोरोना कारण है, क्या रीज़न? एक तो वजह ये लग रही है, पूछने पर लोगों ने बताया कि हाँ, एक भय हो सकता है कोरोना का, और दूसरे की पोलिंग एजेंट भी बूथों पर सिर्फ 2 ही पार्टियों के दिखे। अच्छा। एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, बाकी इतने सारे कैंडिडेट खड़े हैं, यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और किसी का कोई पोलिंग एजेंट नहीं है। तो इससे ये लगता है कि ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो नॉन सीरियस किस्म के हैं। लोग ऐसे ही खानापूरी के लिए खड़े हो जाते हैं, वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं मतदाताओं से यही अपील करूँगा कि वो निकलें घर से और जाएँ, बूथ खाली पड़े हुए हैं, आपका इंतजार हो रहा है, जाइए और वोट कीजिए, और अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को वोट कीजिए। चलिए, तो अब हम बागी सर ने जैसा बताया कि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम दिख रहा है, कारण जो भी हो पर लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब हम आपको उन जिलाओं के बारे में बताएंगे जहां पर आज वोटिंग होना है। कुल 17 जिले हैं, इसमें वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, पटना, नालंदा, वैशाली, गोपालगंज, सारण है, दरभंगा, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर है। अब आपको हम बताएंगे कि आखिरकार किन किन बड़े नेताओं ने वोट दे दिया है, ये 9 बजे तक किन किन बड़े नेताओं ने वोट दे दिया है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो कि बिहार का सबसे हॉट चेहरा बना हुआ है, चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस पासवान खगड़िया से अपना मतदान कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ सुशील मोदी, फागू चौहान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, सीपी ठाकुर, नित्यानंद राय, राणा रणधीर सिंह जो कि सहकारिता मंत्री हैं, और चेरिया बरियार विधानसभा सीट से मंजू वर्मा, ये सभी लोग अपना मतदान कर चुके हैं। तो ये अपडेट है 9 बजे तक का। वोटिंग परसेंटेज इस बार कम देखने को मिल रहा है, और खासकर शहरी क्षेत्र में जहां सुबह के समय सबसे ज़्यादा लोग मतदान अपना कर देते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह एक अपील की है बिहार की जनता से। उस अपील में उन्होंने कहा है कि मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। तो ये जो मौजूदा अपडेट है ये आपको हम पहुंचाएं। अब कुछ बाइट आपको हम सुनाते हैं जो हमारे तमाम जिला के जो रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा भेजा गया है। वे लगातार वहां पर सुबह से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग चुनाव देने, वोट देने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है वोटिंग पर, आप दर क्रम दर इसे देखिए। आपको कैसा महसूस हुआ, पहला वोटर थे आप? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं पहला प्रत्याशी बना हूं इस वोटर में। अच्छा, तो किसका सरकार बिहार में बनने जा रहा है? उम्मीद करते हैं मोदी जी ही रहेंगे तो अच्छा होगा। मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, कोरोना काल में दुनिया का यह पहला चुनाव है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में? महसूस में तो फील अच्छा होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो बताया जा रहा है, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए थोड़ा सा
मास्क सैनिटाइजर का यहाँ क्या व्यवस्था है, आपको क्या लगा? तो दिया जा रहा है, बट जो पहले से सब किया जाता तो लोग आता, और अभी अचानक इस जगह पे मास्क का मांग किया जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही लोगों को। अच्छा लगा, लोकतंत्र का पर्व, हम लोग वोट देने के लिए आए हैं, पूर्ण बहुमत से वोट दे रहे हैं सब लोग, सभी अच्छे विचार से सब लोग वोट दे रहे हैं स्वच्छ मन से। कोरोना को लेकर प्रिकॉशन बढ़ती जा रही है? हाँ, प्रिकॉशन है, ठीक है, सैनिटाइजर है, सब कुछ है, ठीक है, प्रिकॉशन के हम लोग अपना सेफ्टी से जो है वोट दे रहे हैं। यहाँ पे ना महिला मतदान कर्मी, उनके तरफ से सहयोग सही दिया जा रहा है? हाँ, सहयोग सब सही दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा ये पिंक बूथ है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ये स्वर्ग की तरह है, एकदम अच्छे अच्छे है, मतलब कि एक अच्छा माहौल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बूथ जो है कि आदर्श बूथ है, सब चीज़ यहाँ पे यूनिक है, अच्छा देखने में लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है। पहली बार मतदान कर रहा हूँ। पहली बार। क्या नाम है आपका? शोभा। अच्छा, ये बताइए क्या कैसे नेता को चुनने का मन बनाकर आप अपने मतों का? जो हमें रोजगार दे। किस तरह का सरकारी जॉब? रोजगार दे। हाँ। रोजगार के मुद्दे पर ही वोट? हाँ, रोजगार के मुद्दे। कैसा लगा आपको पहली बार मतदान करने आए? बहुत अच्छा लगा, अपने अधिकार के लिए पहली बार। तो ये वो तमाम लोग हैं जो वोट अपना दे चुके हैं। हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग जिले के पोलिंग बूथ्स पर मौजूद हैं, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। राजगीर नालंदा के कुछ ईवीएम्स खराब भी हैं, इसका भी रिपोर्ट आया है। साथ ही साथ पटना जिला में जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र है, जो पटना का बांकीपुर विधानसभा है, पटना साहिब है, यहाँ पर लगातार सुबह से वोटिंग चल रही है। एचएस बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील है हमारी कि आप अपने घर से निकलें, अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और वोट जरूर करें। हर अपडेट्स आप तक एचएस बिहार पहुंचाते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।